नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम थ्री फेज लोको में लगी हुई आगजलनियों के बारे में बात करेंगे। थ्री फेज में कई आगजलनियाँ लगी होती हैं। कुछ आगजलनियाँ आपकी थ्री फेज 415 वोल्ट से चलती हैं। इन आगजलनियों को चलाने के लिए सिंगल फेज 1000 वोल्ट एसी मिलती है, जो कि बर वन, बर टू और बर थ्री, इन तीनों को बोला जाता है आगजलनी कन्वर्टर। इन तीनों बर वन, बर टू, थ्री से थ्री फेज 415 वोल्ट एसी मिलता है, जिससे कि थ्री फेज आगजलनियाँ मोटर चलती हैं। कुछ थ्री फेज में आगजलनियाँ सिंगल फेज 415 वोल्ट और कुछ आगजलनियाँ सिंगल फेज 110 वोल्ट वाली भी होती हैं, जो कि एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है HB1 के पास, उससे उस आगजलनी ट्रांसफार्मर से ये चलती हैं। तो आज बात करते हैं कि कौन कौन सी आगजलनी कैसे चलती है और उसका क्या काम। तो इस हमारे लोकों में थ्री फेज 415 वोल्ट जो आगजलनियाँ लगी हैं, उनको आगजलनी कन्वर्टर, जिसको बर वन, बर टू और बर थ्री कहते हैं, इनसे थ्री फेज 415 वोल्ट एसी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन आगजलनी कन्वर्टर से किसको किसको सप्लाई मिलती है। तो बर वन से हमको OCB1 और OCB2 को सप्लाई मिलती है। OCB1 MR1 में है और OCB2 MR2 में स्थित है। यहाँ लिख देते हैं स्थान, यहाँ लिख देते हैं आगजलनी नाम, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। फिर उसके बाद इसका कार्य लिख देंगे और MCB नंबर भी आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो ये जो OCB1 आगजलनी है, ये MR1 में लगी है। इसका काम होता है ट्रांसफार्मर एवं SR1 यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर वन के तेल को हवा द्वारा ठंडा करना। आप लोगों को जैसे मशीन रूम में आपने देखा होगा, इस टाइप का बड़ा सा ऐसे लगा रहता है, ऊपर ब्लोवर होते हैं, एक रेडिएटर में आपके SR आयल का तेल जाता है और उसके नीचे ट्रांसफार्मर आयल का लेवल तेल जाता है, और इसी ब्लोवर से हवा ऐसे नीचे आती है और दोनों तेल ठंडा हो जाता है। OCB2 MR2 में लगा है, ये भी क्या काम करता है कि ट्रांसफार्मर आयल और SR2, क्योंकि OCB2 है तो SR2 के तेल को हवा द्वारा ठंडा कराएगा। इनकी MCB क्या होती है, तो 59.1/1 और 59.1/2। OCB1 है तो ये HB1 में होगा और ये HB2 में होगा। दोस्तों, जिसमें Y1 है तो वो HB1 में होगा, जिसमें Y2 है वो HB2 में होगा। अब बर टू जो है, उससे हमारी टोटल 6 आगजलनियाँ काम करती हैं। तो एक है TF आयल पंप नंबर 1, दूसरा है TF आयल पंप नंबर 2, फिर SR आयल पंप नंबर 1, SR आयल पंप नंबर 2, TMB 1 एंड TMB 2, ये 6 है। अब ये जो ट्रांसफार्मर आयल पंप है, ये अंडर ट्रक में कहाँ रहता है, मशीन रूम नंबर 1 के नीचे, MR1 के नीचे। TF आयल पंप 2 ये मशीन रूम नंबर 2 के नीचे है। SR आयल पंप कहाँ होता है, ये होता है SR1 के बगल में, और SR आयल पंप 2 कहाँ होगा, SR
टू के बगल में TMB1 कहाँ होगा? TMB1 होता है मशीन रूम नंबर 2 में, और TMB2 मशीन रूम नंबर 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछते हैं कि TMB2 कहाँ लगा हुआ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, MR2 लिख देते हैं, जबकि एक्चुअल में मशीन रूम नंबर 1 में है, क्योंकि TMB2 किसको ठंडा करेगा? जो हमारे बोगी नंबर 2 है उसमें लगे हुए मोटरी को। अब काम क्या है? TFL पंप नंबर जो 1 है वो क्या करेगा? ये करेगा कि ट्रांसफार्मर आयल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना। ठीक है, और TFL पंप का क्या रहेगा? कूलिंग नंबर 2 में भेजना। ट्रांसफार्मर आयल को कूलिंग नंबर 2 में भेजना। SR1 का होता है कि SR1 के तेल को कूलिंग यूनिट 1 में भेजना, और जब ये दोनों कूलिंग यूनिट में पहुंच जाएंगे तब OCB1 द्वारा दोनों ठंडे हो जाएंगे। और SR2 का क्या काम है? कि SR2 के तेल को कूलिंग यूनिट 2 में भेजना। TMB1 का काम है कि बोगी 1 के ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करना, और TMB2 का है कि बोगी 2 के TM को ठंडा करना। अब इनका MCB याद करना, कैसे याद किया जाए? इसका याद करने का तरीका ये होता है, 62 SR होता है 63 और TMB होता है 53। ठीक है, अब TFL पंप 1 है तो 0.1/1 इसका हो जाएगा, AL पंप 2 का 62.1/2, SRL का होगा 63.1/1, SR2 का होगा 63.1/2। जो 1 वाले हैं वो सब HB1 में हैं, और जो 2 वाले हैं वो सब HB2 में हैं। HB जो हमारा होता है ये ऑक्सिलरी क्यूबिकल रहता है, ऑक्सिलरी से संबंधित सब इसी में लगते हैं। ठीक है, तो ये भी HB1 हो गया, HB2 हो गया। TMB का क्या है? 2 1 का बात है तो 53.1/1, और 2 वाला होगा 53.1/2। 1 है तो HB1, ये है तो HB2। इस तरह ये ग्राफ बन गया। अब बर्थ 3 से हमारे दोनों कंप्रेसर यानी MCP1, MCP2 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर, ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर और हमारा बैटरी चार्जर, इतनी चीज़ें चलती हैं। अब MCP1 MCP2 कहाँ है? तो MCP1 है मशीन रूम नंबर 1 के नीचे अंडर ट्रक में, और MCP2 मशीन रूम नंबर 2 के नीचे। स्क्वेंजिंग ब्लोअर, ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो 1 वाला है वो मशीन रूम नंबर 1 में ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के बगल यानी TMB2 के बगल। ठीक है, और एक स्क्वेंजिंग ब्लोअर और होगा ना, दूसरा वाला, जो दूसरा स्क्वेंजिंग ब्लोअर है वो कहाँ होगा? मशीन रूम नंबर 2 में TMB1 के बगल। और बैटरी चार्जर आप कहाँ कहाँ लगा है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर। काम क्या है MCP1 2 का? क्या काम है? MR प्रेशर 10 kg/cm² बनाना। MCP2 का भी काम सेम। स्क्वेंजिंग ब्लोअर का क्या काम होता है कि TMB, जैसे MR1 TMB2 बगल के ना, तो TMB2 और OCB1 के फिल्टर में स्थित धूल कण को निकालना। धूल कण को निकालना जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 है, ये क्या काम करेगा? ये करेगा TMB1 और OCB2 के फिल्टर में स्थित धूल के कण को निकालना। और बैटरी चार्जर का काम आप लोग जानते हैं, बैटरी को चार्ज करना। ये तो हुआ इनका काम। अब इनकी MCP की होती है 47.1/1 और 47.1/2।
स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो हमारा ये था टीएमबी, इसमें एक और दो जोड़ दीजिए, एक छोड़ के, यानी 53 ये था, तो इसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर हो जाएगा 55, 55.1/1 और 55.1/2। और बैटरी चार्जर का होता है 110, 110 नंबर SB2 में होता है पता ही है, और ये बाई वन वाले सब HB1 और बाई टू वाले सब HB2। ये हुआ थ्री फेज 415 वोल्ट वाली। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में भी, या वैसे भी आप जानिए, जो तीन ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे हैं हमारे, बर 1, बर 2 और बर 3, इसमें ऑक्सिलरियाँ कौन कौन किस तरह डिवाइड है, ये देखिए हम पूरा ग्राफ बना ले रहे हैं आपके सामने, उनका स्थान क्या है, उनका कार्य क्या है और MCB, ये ग्राफ बन गया। अब सिंगल फेज 415 वोल्ट से भी कुछ चलती हैं MCB, वो कौन कौन सी हैं, तो वो है हमारी मशीन रूम ब्लोअर MRB 1, MRB 2 और इन दोनों का स्क्वेंजिंग ब्लोअर, और साथ ही साथ हमारा कैब हीटर। अब इनका स्थान कहाँ है, तो मशीन रूम MRB 1 का मशीन रूम नंबर 1 में है, MRB 2 का मशीन रूम नंबर 2 में है, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो इनकी लगाई गई हैं वो कहाँ हैं, उन्हीं के जस्ट बगल, यानी अगर ये है कि ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर कहाँ है, तो MRB 1 के बगल, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर जो 2 होगा वो MRB 2 के बगल, ठीक। और जो कैब हीटर है, ये दोनों कैब में, दो कैब है ना मेरे पास, तो दोनों कैब में डेस्क के अंदर। काम क्या है समझिए, मशीन रूम नंबर 1 में जो MRB 1 है वो आपके बर 1 को ठंडा करेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करेगा और BA Box 1 को ठंडा करेगा। सेम MRB 2 क्या करेगा, BR 2 & 3 को कराएगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कहाँ, ये पहला वाला SB1 के नीचे है, ये वाला SB2 के नीचे है, और BB Box 2 को ठंडा करेगा, ठीक। स्क्वेंजिंग ब्लोअर क्या करेगा, यही कि MRB के फिल्टर के धूल कण को निकालेगा, MRB के फिल्टर के धूल कण को निकालेगा, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 MRB 2 के, ये 1 था ये 2 था। कैब हीटर क्या करता है, कैब को गर्म करने के काम आएगा, कैब को गर्म रखना, ये इसका काम हो गया। अब MCB कैसे याद करना है आपको, देखिए TMB का 53 था और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर 55 था, इसका 54 और 56 रहेगा, यानी MRB 1 का 54.1/1 और 54.1/2, और इसका 56.1/1 और 56.1/2। जैसा कि आपको पता है BY1 HB1 में होता है और BY2 HB2 में होता है, ये तो आसान है ही है। और कैब हीटर का जो है इसका होता है MCB, ये आपको याद करना पड़ेगा, 69.62 और ये होता है HB1 में, ये होता है HB1 में। अब कुछ ऑक्सिलरियाँ हमारी होती हैं वो सिंगल फेज 110 वोल्ट से चलती हैं, वो कौन सी हैं, ये हो गई आपकी सिंगल फेज 415, और अब सिंगल फेज 110 की बात करेंगे। तो इसमें हमारा दो ही है, एक है हमारे कि क्रू फैन चलते हैं और एक को बोलते हैं कैब वेंटिलेशन ब्लोअर, ठीक है। ये जो क्रू फैन होंगे ये टोटल 4 होंगे और कैब वेंटिलेशन ब्लोअर टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। क्रू फैन कहाँ पे होगा, दोनों कैब में होंगे ये,
कैब में दो दो करके, ठीक है। कैब वेंटिलेशन ब्लोवर कहाँ होगा? ये होता है कैब में डेस्क के अंदर, डेस्क के अंदर। काम क्या है? क्रू फैन का काम तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एलपी एंड एएलपी को हवा देना या कि हवा के लिए, और जो वेंटिलेशन ब्लोवर होता है इसका काम होता है जो हीटर से गर्म हवा आ रही है, हीटर की गर्म हवा को कैब में भेजने के लिए। इसका एम सी भी याद करने का तरीका, इसका 0.62 था, ठीक है, कैब हीटर का। तो उससे संबंधित क्या है वेंटिलेशन ब्लोवर, इसको एक कम कर दीजिए 0.61, और इसी में 10 और जोड़ के यानी 69.71, ये हो जाएगा फैन का। फैन का हो, ये दोनों लगे कहाँ हैं? सब HB1 में लगे हैं। इस तरह ये हमारा हुआ कि सिंगल फेज 415, सिंगल फेज 110 और थ्री फेज 415 वोल्ट वाली MCB हमारी किससे किससे चल रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी इससे रहती है कि बर 1 बर 2 बर 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर से चलती है। कुछ लोगों में ये जो MRP होती है ये हमारी सिंगल फेज 415 से ना चलकर ये MRP किससे चलती है? थ्री फेज 415 से। जिन लोगों में ये MRP थ्री फेज 415 से चलेगी वो बर 2 पे उसका लोड आएगा, और ये स्क्वेंजिंग ब्लोवर जो बर 3 पे है ये भी बर 2 पे चली जाएगी। ये पता कैसे चलेगा? ऐसे लोगों में कूलिंग मोड नहीं किया जाता है, तो उस लोगों के कैब में चढ़ेंगे तो वहाँ पे पंपलेट लगा रहेगा कि इस लोगों में कूलिंग करना मना है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उस लोगों में MRP जो है वो सिंगल फेज 415 से ना चलकर थ्री फेज 415 से चलती है और वो बर 2 से चलती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।